दोस्तों हमने कॉलिजन थ्योरी पढ़ा, हमने मीन फ्री पाथ पढ़ा, हमने तीन टर्म पढ़ी। एक हमने पढ़ी है जेड वन, एक हमने पढ़ी है जेड वन वन, एक हमने पढ़ी है लैम्डा। लैम्डा के आगे एम भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जेड वन क्या शो करता है? कॉलिजन बाय वन पार्टिकल इन वन सेकेंड, कॉलिजन बाय वन पार्टिकल। मेरे साथ ही लिखेंगे इसको, पार्टिकल इन वन सेकेंड। बता सकते हैं ये इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई डी स्क्वायर रूट टू यू ए वी एन स्टार। जेड वन वन होता है टोटल कोलिजन, बाय ऑल पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम, इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये वैल्यू आ जाएगी टोटल कोलिजन बाय ऑल पार्टिकल इन यूनिट वॉल्यूम। ये वैल्यू आएगी आपके पास, अच्छे से याद रखो, ये है आपके पास पाई डी स्क्वायर यू ए वी एन स्टार स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है जेड वन मल्टीप्लाई बाय एन स्टार बाय टू, तो रूट टू नीचे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे लैम्डा की वैल्यू आपको मालूम है, लैम्डा एम की वैल्यू होती है आपके पास मीन फ्री पाथ, बताता है ये मीन फ्री पाथ, जो कि अपने आप में देखा जाए तो कितना होगा, यू ए वी डिवाइडेड बाय जेड वन। जो वैल्यू आपके पास निकल के आ रही है वो है वन अपॉन पाई डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर और रूट टू यू ए वी, रूट टू यू ए वी कट जाएगा, एन स्टार बचेगा। चलिए कुछ वैल्यूज और रखते हैं हम, पाई की वैल्यू पाई, डी की वैल्यू डी स्टार, रूट टू की वैल्यू रूट टू। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू होती है एट आर टी बाय पाई एम एन स्टार, एट आर टी बाय पाई एम, समझ में आ रहा है? और यहां ये वैल्यू क्या आएगी, पाई डी स्क्वायर एट आर टी बाय पाई एम एन स्टार। एन स्टार की वैल्यू भी रख दो, पी एन ए अपॉन आर टी। यहां हमारे पास हो जाएगा पी एन ए अपॉन आर टी स्क्वायर, यहां हमारे पास हो जाएगा बिल्कुल वन अपॉन पाई डी स्क्वायर रूट टू पी एन ए अपॉन आर टी। तो ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए कि ये जेड वन किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो देखो रूट टू नीचे जाएगा, पी ऊपर आएगा, तो पी बाय रूट टू रूट टी, क्लियर है? पी बाय रूट टी ओवरऑल। आगे जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल जाएगा, देखिए पी स्क्वायर अपॉन टी रूट या टी की पावर थ्री बाई टू लिख दो, आप टी रूट टू भी लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लैम्डा एम की बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, टी बाय पी के। ये हमने छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े। अब यहां पर तीन कॉन्सेप्ट्स आपके पास आ जाएंगे, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जेड वन किसके प्रोपोर्शनल होगा, वन बाय रूट टी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जेड वन किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, इसको इस तरह से लिखो फिर, रूट पी रूट टी
मल्टीप्लाई बाय रूट पी। तो जब वी कांस्टेंट है तो पी बाई टी कांस्टेंट होगा, और पी बाई टी कांस्टेंट होगा तो आपके लिए जेड वन की वैल्यू क्या आएगी, रूट पी या फिर रूट टी, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल टी हो जाएगा। तो ये आपके पास छोटे छोटे पॉइंट है, टी कांस्टेंट है तो ये इस तरह से आएगा, और ये पी कांस्टेंट है तो यहाँ पर वी भी ला सकते हो आप, टी की जगह वी भी लिख सकते हो। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथ्स यूज करना पड़ेगा आपके पास, कि पी कांस्टेंट है तो टी की जगह वी लिख सकते हैं, और टी कांस्टेंट है तो पी की जगह वन बाय वी लिख सकते हो आप, लिख सकते हो। ये छोटा छोटा सा पॉइंट्स है जिसको आपको पकड़ के चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी तीन आपके पास फैक्टर आएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पी कांस्टेंट, तो पी कांस्टेंट होती है जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल है, वन अपॉन टी की पावर थ्री बाई टू। वी कांस्टेंट है, नहीं टी कांस्टेंट है, तो जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी स्क्वायर, और वी कांस्टेंट है तो ये एक तरह से पी की जगह टी लिख सकते हो आप, टी स्क्वायर। तो यहां आपके पास क्या हो जाएगा, जेड वन वन किसके प्रोपोर्शनल होगा, रूट पी या फिर रूट टी। यहां बताना और आसान है, अगर आप यहां पर बात कर रहे हो सबसे पहले पी कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां पर लैम्डा एम किसके प्रोपोर्शनल होगा, वन बाय नहीं सिर्फ टी आएगा। और अगर टी कांस्टेंट है तो लैम्डा एम प्रोपोर्शनल वन बाय पी, और वी कांस्टेंट है तो टी बाय पी कांस्टेंट हो जाएगा और लैम्डा एम भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक कांस्टेंट कंटेनर में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कॉलिजन्स पे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मालूम अभी, लेकिन ये जरूर मालूम है कि मीन फ्री पाथ कांस्टेंट बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इससे आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो किस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए जेड वन यानी कॉलिजन बाय वन पार्टिकल, प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कम होगी, वॉल्यूम बढ़ाने पे भी कम होगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर हमारे पास इस जगह बढ़ाने पर बढ़ेगी, वॉल्यूम बढ़ाने पर कम होगी। तो ये ऐसी टर्म्स आप खुद भी कर सकते हो।